देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है और आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 5 है। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन है, एकदम हूबहू लिखा ही भी हुआ है, इसीलिए दोनों को समझना आपको बहुत आसान होगा, आप समझ सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि इन फिगर 7.49 एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। एंगल बी के बारे में बताया गया कि वो एंगल ए से छोटा है, ये वाला एंगल छोटा है। फिर एंगल सी के छोटा बताया गया एंगल डी से, एंगल सी छोटा बताया गया एंगल डी से। तो कह रहा है अगर ये बात है तो आप प्रूफ करो कि ए डी की जो लंबाई होगी, ए से डी की लंबाई, ये बी सी की लंबाई से क्या होगी, छोटी होगी। कोई टेंशन नहीं लेना है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना उसको यूज कर लो। हमें दिया गया है ना कि एंगल बी जो है छोटा है एंगल ए से, बोलो। अगर हम ट्रेंगल ए ओ बी लें तो हमको एंगल बी के बारे में बताया गया कि वो छोटा है एंगल ए से। तो अगर एंगल ए छोटा है तो बस ये याद रखना ना कि यही वाला साइन रहेगा, बी के सामने वाला साइड लिख देंगे, ए के सामने वाला साइड लिख देंगे, बस गलती होने का संभावना बिल्कुल नहीं होगी। एंगल बी के सामने कौन साइड है, ए ओ है, छोटा होगा। एंगल ए के सामने कौन है, बी ओ है। एंगल ओ के सामने कौन है, बी ओ है। फिर इन ट्रेंगल ओ ओ डी सी, ओ डी सी आपको दिया गया है एंगल सी इज लेस देन एंगल डी गिवेन। एंगल सी छोटा दिया गया है एंगल डी से। अब तुम इस ट्रेंगल में आके देखो, एंगल सी के सामने, एंगल सी छोटा है ना एंगल डी से, तो एंगल सी के सामने कौन हुआ, ओ डी। यहाँ ओ डी लिख देंगे, छोटा है, एंगल डी के सामने कौन है, एंगल डी के सामने कौन है, ओ सी है, ये लिख दिए। अब ए ओ भी छोटा है बी ओ से और ओ डी भी छोटा है ओ सी से, दोनों को जोड़ देते हैं। इक्वेशन वन प्लस, इक्वेशन नहीं कहेंगे क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, बस वन प्लस टू लिख दो। तो ए ओ और प्लस ओ डी दो छोटे छोटे नंबर में, आ दो छोटे छोटे नंबर में आ दो बड़ा बड़ा नंबर जोड़ेंगे तो बड़ा बड़ा वाला चीज़ बड़ा ही होगा, आ छोटा वाला छोटा चीज़ जो होगा वो क्या होगा, छोटा ही होगा, सही है जी। तो ए ओ और ओ डी को जरा देखो, तो फिगर में जाके ए से बी ओ और ओ से डी, पूरा ए डी कंप्लीट हो जाएगा। और बी ओ और ओ सी को देखो तो बी ओ और ओ सी, पूरा बी सी कंप्लीट हो जाएगा। और यही प्रूफ करना था, ए डी छोटा है बी सी से, समझ रहे हो। तो ये आप प्रिंट कर लीजिए मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाले पर, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक आर एस अग्रवाल और एन सी आर टी का टोटल वीडियोस अलग अलग प्लेलिस्ट के साथ, एन सी आर टी का सेपरेटेड, आर एस अग्रवाल का सेपरेटेड, एवरी एंड ईच चैप्टर्स का वन बाई वन क्वेश्चन के साथ अवेलेबल है। आप जाके प्लेलिस्ट में सारे चीज़ को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स रहते हैं, वहाँ भी जाके देख सकते हो।